हाइबा तो बिटरिया होगी चुप, राजा की बिटिया। अब रुक्मणी आगे बढ़ी, नमस्ते कन्हैया। बोले नमस्ते रुक्मणी। बोली कहाँ रहते हो कन्हैया? बोले हर जगह। रुक्मणी की सहेलियां बोली जीजी सफा सर रही है। जीजी ने पूछी कौन रहा था? बात आ गया। रुक्मणी लबल लबर को फारम भरन लगी। रुक्मणी बोली तुम्हारी कहीं तुम्हारी बस कमरे में कहा है बसुरिया तुम बजाए दे तो। कन्हैया बोले हाँ। तो जब बंसी बजाए के सुनाई दे। कन्हैया जानते हैं कि हमने बजाई बसुरिया, दुश्मन चारों तरफ खड़े सब कूदारे बसुरिया, अभी नहीं बजाएंगे। रुक्मणी बोली इतनी कीमती ना है जो छाती से दुकान धरे हो, जा हमें दिखाइए दे। कन्हैया बोले दिखाएंगे भी नहीं। रुक्मणी बोली मैं देख करके तुम्हारी वापस कर दूंगी। कर दोगी? हाँ। अब का देर अभी लबर लबर गुफारम पर दस्खत हो भी भाली आते। हाँ। कन्हैया ने बंसी को देवे को हाथ करो, रुक्मणी ने बंसी को पकड़े को हाथ करो। कन्हैया ने झपट के बंसी तो गोदी में डाल ली। का करो कोई करो जो करवे गई। नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुराती नजर से देखा, और नजरबाज की नजर मिली तो नजर मिलाती नजर से। ना बाबा का बाबा मान अरे मन मोहन ने पकड़ी उनकी झपटी कलाई। कन्हैया ने रुक्मणी को बिठारो, बिटरिया बाकी चिच्ची ले गाओ ले गाओ। महाराज भीष्म की पत्नी बोली मेरी बेटी रुक्मणी का एक बिटरिया बोली अम्मा मंदिर पे गई पूजा कराए दे। फिर मैया करिए करिया हाथों समान जी पूजे गए। अब कोई करिए करिया हाथों समान पे ना पूजे गए। महाराज भीष्मक की पत्नी बोली कि हमारी बेटी रुक्मणी कहाँ? तो एक लड़की बोली अम्मा पूजा कराए वे गई बाइक का लो का लूटो चलो आओ सुबह जीजी को हाथ पकड़ो। भाई जीजी के तैना टरोरानी बे उल के रथ पे बैठी और चली गई। दूसरी बोली ले गो ठीक ले। दूसरी बिटरिया बोली ले गो ठीक ले गो, हम तो सोच सोच के चाह मर ही जाती हैं कि ना जाने कब से उनकी सलाह रहे बेबू लेके बैठी गई कतई ना है अटे मटे करी। रुक्मणी की माँ कहने लगी शांत रहो बिना कन्हैया के कोई नहीं ले जा सकता है चुप रहो। लेकिन चुप्पा कैसे रहे भाई? तब तक दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जा और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती और प्यार हो जाए तो सूरत
नहीं देखी जाए। प्रेमी लोग किसी तरह से यात्रा से हटे, प्रेम के नाम में को प्राण दिया कर से रुकमणी बोली है पंडित जी मेरी बात सुनो। Thank you.